नमस्कार मित्रों, आज हम व्याकरण के पहले पाठ भाषा और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भाषा का विकास कैसे है। हम अभी जो भाषा पढ़ रहे हैं वो कैसे बनी, हमारे से पहले हमारे जो पूर्वज थे वो कैसे अपने मन की बातों को दूसरों के सामने प्रकट करते थे। इसके लिए वो संकेतों के माध्यम से, इशारों के माध्यम से अपनी बात को कहते। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अब मनुष्य को अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करने के लिए, अपने सुख दुख को बांटने के लिए भाषा की आवश्यकता थी। पहले के लोग जो है इशारों और संकेतों के माध्यम से कहते थे। तो जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, मनुष्य ने भी अपने मन के भावों को प्रकट करने के लिए भाषा का विकास किया, भाषा की शुरुआत। तो उस हिसाब से भाषा की परिभाषा होगी, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को स्वयं ग्रहण करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि भाषा अपने मन के विचारों के आदान प्रदान का साधन। हम अपने मन के सुखों को दूसरों के समक्ष प्रकट करते हैं भाषा के द्वारा और वो हमारे मन की बातों को सुनकर ग्रहण करते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। अब मौखिक भाषा के दो कौशल होते हैं, बोलना और सुनना। इसमें इस भाषा के इस रूप में मनुष्य अपनी बात बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करता है और दूसरे से सुनकर ग्रहण करता है। इसमें मोबाइल पर बात करना, कविता सुनाना, भाषण देना, रेडियो सुनना और आपस में बात करना आता है। वैसे ही भाषा का दूसरा रूप है लिखित भाषा। लिखित भाषा के भी दो कौशल है, पढ़ना और लिखना। इस भाषा में मनुष्य अपनी बात को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करता है और दूसरे उसे पढ़कर ग्रहण करते हैं। इस तरह से इसके अंतर्गत आता है पत्र लेखन। हम पत्र लिखते हैं और दूसरे हमारे मन की बात को पढ़कर समझते हैं। समाचार पत्र पढ़ना, नोटिस बोर्ड। हम जब रास्ते पर चलते हैं तो रास्ते में कई जगह हमें कुछ संकेत चिन्ह मिलते हैं, उसके द्वारा ही हम आगे आने वाले मुसीबत को या हमारे लिए जो भी सावधानियां बनाई गई है उसको हम देख कर समझते हैं, पढ़ कर समझते हैं और व्हाट्सएप पर बातें करते हैं, एक दूसरे को मैसेज संदेश देना। इसके माध्यम से लोग पढ़कर और लिखकर उसे लिखित भाषा का सही उदाहरण। इस तरह से भाषा के दो रूप है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब जो लोग बोल और सुन नहीं पाते वो लोग संकेतों के द्वारा अपने मन के भावों को व्यक्त करते हैं, इसलिए भाषा का कहीं तीसरा रूप भी है, उसे कहते हैं सांकेतिक भाषा। क्या कहते हैं उसे? सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा का उपयोग अधिकतर उपबधिर बच्चे करते हैं जो मुंह से कुछ नहीं बोलता है ना। और सांकेतिक भाषा का प्रयोग आपने देखा होगा, भोजनालय में काटा चम्मच का जो चिन्ह बना होता है, हम फुटपाथ पर चलते हैं तो जेब्रा क्रॉसिंग बना होता है ना, कहीं के यातायात सिग्नल के लिए भी सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से भाषा के कुछ विद्वान तीन रूप मानते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। आशा है आपको भाषा के बारे में समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे लिपि। अब हमने भाषा तो बना ली, लेकिन भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह भी तो बनाने होंगे। तो विद्वानों ने भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह बनाए,
उन चिन्हों को लिपि कहते हैं। आइए मैं आपको फिर से समझाऊं लिपि किसे कहते हैं। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और घर पे रहिए।